नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो राजस्थान में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए राजस्थान की पांच भर्तियों की महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूं, जिसके अंदर अपन बात करेंगे जो आपकी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है उसकी तीन बड़ी भर्तियों की एग्जाम डेट के बारे में, एंड साथ ही में अपन देखेंगे जो आपका वुमेन सुपरवाइजर एंड जो टैक्स असिस्टेंट है इसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा, एंड जो स्टेनोग्राफर, लाइब्रेरियन एंड जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की एग्ज़ाम डेट कब रहने वाली है और इनके अंदर टोटल कितने फॉर्म्स आए हैं विथ आपको ऑथेंटिक प्रूफ के साथ मैं जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, अपन देखते हैं इस वीडियो को जो आ रखी है, आज की ये लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आप देख लीजिए इस न्यूज़ के अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो मैं आप सभी को थंबनेल के अंदर मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टैक्स असिस्टेंट और महिला सुपरवाइजर भर्ती के परिणाम का इंतजार। टैक्स असिस्टेंट यानी कर सहायक की जो भर्ती निकली थी RSM SSB के द्वारा, ठीक है। तो भर्ती परीक्षा के परिणाम के इंतजार तो अपन पढ़ लेते हैं इस कंप्लीट न्यूज़ को जो आ रखी है, ठीक है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये न्यूज़ के अंदर बता रखा है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से पिछले दिनों पशुधन सहायक और PTI भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है, जिसके अंदर आपकी जो PTI है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है एंड जो पशुधन सहायक वैकेंसी है LS है उसका जो हाईकोर्ट की वजह से भी रोक लग रखी है, ठीक है। इन दोनों के बारे में आपको मैंने बता दिया है एंड उसके बाद जो सेकेंड अपडेट्स आप देख सकते हैं। लेकिन अभी भी प्रदेश में सैकड़ों बेरोजगारों को टैक्स असिस्टेंट और महिला सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा के परिणाम का इंतजार करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं हेडलाइन भी दे रखी है, परीक्षा करवाने और रिजल्ट जारी कराने में लगा बोर्ड, जो RSM SSB के बारे में यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। तो इसमें बता रखा है कि जो बोर्ड अध्यक्ष BL जाटावत का कहना है, जो बाबूलाल जाटावत है चेयरमैन है RSM SSB का, तो इन्होंने कहा है कि दोनों ही भर्ती परीक्षाओं का परिणाम को लेकर बोर्ड की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, ठीक है। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं तो इन दोनों भर्तियाँ हैं जो आपकी वुमेन सुपरवाइजर यानी महिला पर्यवेक्षक की जो वैकेंसी और जो टैक्स असिस्टेंट है दोनों की तैयारियों का अंतिम रूप दिया जा रहा है एंड संभवतः इसमें बता रखा है कि जो संभवतः इनका परिणाम है जो 10 मार्च तक जारी कर दिए जाएंगे। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो 10 मार्च को इन दोनों वैकेंसीज का परिणाम आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा वुमेन सुपरवाइजर और टैक्स असिस्टेंट का, ठीक है। 10 मार्च की यहाँ पे डेडलाइन दे रखी है, तो 10 मार्च तक इन दोनों का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और जो आपकी लाइब्रेरियन एंड, और अब बात करते हैं अपन जो आपकी वैकेंसी है लाइब्रेरियन एंड जो स्टेनोग्राफर, ठीक है, पुस्तकालय अधीक्षक और जो आपकी शीघ्र लिपिक भर्ती है, तो इसके बारे में भी BL जाटावत ने कहा है कि वहीं लंबे समय से पुस्तकालय अध्यक्ष और स्टेनोग्राफर भर्ती की परीक्षा की तिथि का बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं। भर्ती परीक्षा को लेकर BL जाटावत ने कहा है कि अप्रैल और मई के अंदर, दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं अप्रैल और मई के अंदर दोनों भर्तियों का जो एग्ज़ाम है परीक्षा का आयोजन करवा दिया जाएगा। दोस्तों, आप सभी काफ़ी टाइम से कमेंट कर रहे थे कि जो स्टेनोग्राफर और जो लाइब्रेरियन है पुस्तकालय सहायक का एग्ज़ाम डेट कब है, तो दोस्तों BL जाटावत है जो इनके चेयरमैन ने बोल दिया है RSM SSB के चेयरमैन ने कि जो अप्रैल और मई, अप्रैल या फिर मई के अंदर इन दोनों का एग्ज़ाम कंफर्म डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, अभी आपके पास टाइम है, तैयारी कर लीजिए, अप्रैल मई के अंदर इनका एग्ज़ाम फिक्स रहने वाला है, ठीक है। दोस्तों, तो अपने दोस्तों के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर करके बता दीजिएगा अप्रैल और मई के अंदर इनका एग्ज़ाम रहने वाला है, ठीक है। एंड साथ ही स्टेनोग्राफर भर्ती में पोटेंशियल टेस्ट की प्रक्रिया तय करने को लेकर DOP को पत्र लिखकर सुझाव मांगा गया है। DOP का जवाब आने के बाद फिर से इन परीक्षाओं पर जल्द काम शुरू हो जाएगा, जो अपना DOP का यहाँ पे मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, ठीक है। तो उनसे जो पत्र लिखकर सुझाव मांगा गया है कि जो टाइपिंग जो टेस्ट रहता है इसमें पोटेंशियल टेस्ट होता है स्टेनोग्राफर का, तो उसके अंदर किस प्रकार टेस्ट होगा इसको लेकर सुझाव भी मांगे गए हैं। तो तीन, अब आप देख सकते हैं कि चार अपडेट्स मैंने आपको बता दी इस वीडियो के अंदर, जो आपका टैक्स असिस्टेंट एंड जो वुमेन सुपरवाइजर का रिजल्ट है महिला पर्यवेक्षक का, तो ये 10 मार्च तक आ जाएगा। एंड जो दूसरी अपडेट्स है कि जो आपका स्टेनोग्राफर एंड जो लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम है अप्रैल और मई के अंदर हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद जो आपकी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो एग्ज़ाम डेट अभी 24 फरवरी को फिक्स हो रखी थी, सॉरी 10 फरवरी को जो फिक्स हो रखी थी, ठीक है, पहले RSM SSB ने 10 फरवरी फिक्स की गई थी, बट जो गुर्जर आरक्षण के चलते इसको कैंसिल कर दिया गया था, स्थगित कर दिया गया।
तो जो बोर्ड ने नई डेट फिक्स कर ली है, तो आपके संभावित है कि 3 मार्च को आपका जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम डेट जो एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक दोस्तों, तो आपसे भी देख लीजिए कि 3 मार्च 2019 को, ठीक है, 3 मार्च 2019, ठीक है दोस्तों, 3 मार्च 2019 को आपका एग्ज़ाम हो सकता है एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का, जिसके बारे में आप सभी को बता चुका हूँ। एंड अपन बात करते हैं जो आपके टोटल कितने फॉर्म्स आए हैं जो आपके पुस्तकालय सहायक के अंदर, ठीक है, तो जो आपकी लाइब्रेरियन की वैकेंसीज के अंदर आपके टोटल कितने फॉर्म्स आ रखे हैं वो भी मैं आप सभी को बता देता हूँ। कैटेगरी वाइज आप सभी देख लीजिए, मैं आपको टोटल फॉर्म बता देता हूँ कि कितने फॉर्म्स आ रखे हैं। तो आपके जो टोटल फॉर्म्स आ रखे हैं लाइब्रेरियन के अंदर, ये RTI के तहत निकाली गई फाइल है RSMSSB की तरफ से, जिसमें बता रखा है कि जो आपके टोटल फॉर्म्स आ रखे हैं 43,353, ठीक है दोस्तों, जिसमें फीमेल कैंडिडेट्स के हैं 17,496 एंड जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके हैं 25,855। और कैटेगरी वाइज आप सभी देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है, तो इतने फॉर्म्स आ रखे हैं तो 43,353 है, जिसमें आउट ऑफ स्टेट के फॉर्म हैं 8,000, ठीक है, 8,000 जो आउट ऑफ स्टेट वाला है जो जनरल के अंदर आ रखे हैं। तो इसके जो टोटल फॉर्म है आपके जो फीमेल के है 3,576 एंड जो मेल कैंडिडेट्स है 4,500 जो मेल कैंडिडेट्स के फॉर्म आ रखे हैं आउट ऑफ स्टेट के, तो टोटल आउट ऑफ स्टेट कैंडिडेट्स है 8,076 एंड जो ऑल ओवर फॉर्म है आपके 43,353, ठीक दोस्तों। तो आप सभी को ये जानकारी देनी थी, तो देख लीजिएगा दोस्तों एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम आपका 3 मार्च को हो सकता है, एंड जो स्टेनोग्राफर एंड जो आपका लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम है जो अप्रैल या फिर मई के अंदर हो जाएगा, एंड जो आपका रिजल्ट है टैक्स असिस्टेंट एंड जो वुमन सुपरवाइज़र का 10 मार्च तक आ जाएगा, और LDC के लिए भी 10 मार्च का बोल रखा है BL जाठावत ने। तो देखते हैं क्या अपडेट्स आती है RSMSSB की तरफ से, कब तक रिजल्ट जारी होता है, ठीक दोस्तों। तो आप सभी को इन्फॉर्मेशन देनी थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करेगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और इसी प्रकार की अपडेट्स आप पाना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। और आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, जिनका भी एग्ज़ाम है अच्छे से तैयारी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर बींग विद टेक्नो राजस्थान, थैंक यू सो मच।